सबसे पहले मोहम्मद शमी, फिर उसके बाद शिखर धवन, और अब बारी है हार्दिक पांड्या। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लोग टीम से बाहर होने वाले हैं, न्यूज़ यही है कि हार्दिक पांड्या का जो है तलाक की बातें हो रही हैं। दो दिन, एक दो दिन का तो ये ट्रेंडिंग न्यूज है। तो हम बात करेंगे शुरू से, सबसे पहले शिखर धवन से। शिखर धवन जो है उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की एक महिला से शादी है, क्योंकि उनकी जो पहली बीवी थी उसके ऑलरेडी पहले एक लड़की था, उसी से शिखर धवन ने शादी किया। शादी के बाद उनका एक लड़का भी हुआ, लड़का 4-5 साल का हुआ। देन उसके बाद उन्होंने शिखर धवन से जो है डिवोर्स ले लिया। उसके बाद से शिखर धवन ने आज तक अपने बेटे को देखा तक नहीं, उससे बात भी नहीं कर पा रहे हैं। अब वो ऑस्ट्रेलिया का रूल्स अलग है, उसके चलते अपने बेटे को देख भी नहीं पा रहे। देन आते मोहम्मद शमी, उन्होंने भी शादी किया एक ऐसी लड़की से जो ऑलरेडी पहले से शादीशुदा थी। उन्होंने भी शादी किया, एक बच्ची हुई उनकी, फिर 3-4 साल बाद उनका अलगाव हो गया। और मोहम्मद शमी के ऊपर उन्होंने बहुत सारे इल्जाम भी लगाए थे, बट बीसीसीआई ने उन पर ट्रस्ट किया, जितने भी साथी खिलाड़ी थे सभी ने उनको सपोर्ट किया और मोहम्मद शमी जो है फंसे नहीं कोई दूसरे केसेस वगैरह में, और फिलहाल वो सही है। नहीं तो एक टाइम में मोहम्मद शमी का ऐसा हालत आ गया था कि वो सुसाइड करने पे मजबूर हो गए थे, ऐसा उन्होंने वर्ल्ड कप से पहले कहा था एक वीडियो में रोहित शर्मा से बात करते हुए। और अभी बारे है हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या जब से वर्ल्ड कप से इंजर्ड होकर बाहर हुए हैं, उसके बाद तो उनकी ट्रेडिंग हुई, गुजरात से मुंबई गए, एज ए कैप्टन टीम को लीड किया, बस पूरा सबसे लास्ट में रहे। एक भी मैच मतलब वो प्लेऑफ में जगह नहीं बना पाए, लगभग ऐसा लग रहा था कि उनके हिसाब से टीम जो है नहीं चल रहा है, प्लेऑफ तक तो नहीं जा पाए। देन अभी खबर ये आ रही है कि उनकी बीवी जो है उनसे डिवोर्स लेना चाहती है। हाल ही में एक रेस्टोरेंट बार उनकी बीवी किसी और के साथ दिखी, और कुछ दिनों की खबरें माने तो हार्दिक पांड्या अपनी बीवी से अलग अलग रहते हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि उनकी जो बीवी है वो उनकी 70% प्रॉपर्टी जो है ले सकती है। आई मीन होता है तलाक का रूल्स ऐसा होगा, बट हार्दिक पांड्या भी चालाक है, गुजराती बंदा है, उसने पहले से दिमाग लगाकर उसकी जितनी प्रॉपर्टी है सब में ऑलरेडी उसकी माँ का हाथ है, इसी के चलते शायद ही वो उसकी पूरी प्रॉपर्टी ले पाएगी, उतना तो नहीं होगा। बट ये बदकिस्मत ही है जो एक साथ हार्दिक पांड्या के किस्मत में आई है, बट आई होप कि वो कर लेंगे, गुजराती बंदा है, टैलेंटेड है, इंटेलिजेंट बंदा है।